कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। हालेलुया। अब गौर से सुनना इस बात को। पत्रस प्रवचन कर रहा था, पत्रस खुदा के कलाम को बता रहा था, पत्रस उन बातों को बता रहा था जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने उनसे की थी, जो परमेश्वर ने दर्शन पत्रस को दिखाए थे। और जब पत्रस को दिखाए थे वो इन बातों को जस्ट बोल ही रहा था, बता ही रहा था, तुरंत क्या हुआ, जितने अन्य जाति थे उन सब पर पवित्र आत्मा क्या हो गया, उतर गया। हालेलुया। आपको पता उस समय में दो चीजें होती थी, एक खतना रहित और एक खतना के साथ। खतना का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, खतना का मतलब ये होता था कि जो परमेश्वर का चुना हुआ, या जो ये कहते थे कि यहूदी जो लोग थे वो अपनी पहचान कैसे दिखाते थे, कि वो अपने पैदा होने के बाद अपने जो उनके बच्चे होते थे 7 या 8 दिन के बाद उनका खतना करते थे। खतना का मतलब है कि शरीर का जो प्राइवेट हिस्सा है उसके छोटा सा मांस का टुकड़ा काटना, हालेलुया, उसे खतना बोलते हैं। और उस समय में ये इस बात को जाहिर करता था कि अब ये क्या हो चुका है, ये यहूदी बन चुका है, अब ये क्या है, अब ये परमेश्वर का है, और जिनका खतना नहीं होता था उन्हें परमेश्वर के लोग नहीं कहा जाता। हालेलुया। फिर क्या हुआ, जबकि ये सारे कानून, सबको मेरी बात समझ आ रही है, अगर नहीं समझ आएगी तो बीच में आप पूछ लेना, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन के साथ आप सब समझते रह जाओ कि क्या बोला क्या बोला, कुछ पता ही नहीं चला। हालेलुया। गौर से सुनना, जहाँ पर पतरस गया था वहाँ पर दो तरह के लोग थे, एक वो जो खतना रहित थे यानी कि जिनका खतना नहीं हुआ था, एक वो जिनका खतना हुआ था। हालेलुया। दोनों साथ में बैठे हुए, जब पतरस प्रवचन दे रहा था, जब पतरस वचन सुना रहा था, तो पवित्र आत्मा खतना वालों पर भी उतर गया और पवित्र आत्मा खतना रहित वालों पर भी उतर गया। हालेलुया। दोनों पर उतर गया, और जब दोनों पर उतर गया तो जो खतना रहित थे वो हैरान हो गए, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि भाई हम ही यहूदी हैं, हम ही परमेश्वर के लोग हैं, हमें ही चर्च में जाने का इजाजत है, तो इन पर कैसे उतर गए। हालेलुया। तब पतरस को अपने दर्शन का मतलब समझ आया कि जिनको मैंने बनाया, यानी परमेश्वर ने जिनको बनाया, चाहे वो किसी धर्म से रिलेट करे, चाहे वो किसी जाति से रिलेट करे, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, वो अलग नहीं है, उन सबको मैंने बनाया। सारे रूल नियम यीशु मसीह के बाद, मरने के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद टूट गए। कोई खतना नहीं, कोई खतना की जरूरत नहीं, कोई बलि की जरूरत नहीं, कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं। जो कुर्बानी देनी थी वो यीशु मसीह ने दे दी पूरी दुनिया के लिए। अब कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं, अब सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ विश्वास करने की। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। जहां पर ना तो कुर्बानी की बात की गई है, ना तो यहां पर कुर्बानी की बात की गई है, ना तो बलि की बात की गई है। हालेलुया। यहां सिर्फ बात की गई है विश्वास की। अक्सर हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन, जबकि इससे थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम साफ शब्दों में कहता है, परंतु जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उन पर दंड की आज्ञा होगी ही होगी। हालेलुया। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो मसीह ना हो, अगर आप मसीह के पीछे सिर्फ इसलिए चल रहे हो कि मेरे माता पिता मानते थे इसलिए मैं मानता हूँ, तो वो मसीह नहीं। मसीह का मतलब है कि आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हम हिंदू धर्म में थे, जब तक हम अन्य जाति में थे तब हम क्या करते थे, हमें जो बताया जाता था पूजा करना है, अगरबत्ती जलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से आराधना प्रार्थना करना है। लेकिन मसीह में बात अलग है, मसीह में बात ये अलग है कि आपको अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं बोलना है कि बेटा बैठ और प्रार्थना कर, आपने अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं बोलना है कि बेटा वचन पढ़, आपको अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं बोलना है कि बेटा गीत गा आराधना कर, आपको अपने बच्चों को यीशु मसीह की अहमियत बतानी है। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे आए,
यही जानते ना कि मेरे मैं पापी था, मैं एक पापी इंसान था और परमेश्वर ने भरोसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और ये बहुत ही दुख भरी बात है कि प्रभु यीशु ने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और आज भी हम रोते हैं। जब हम इन बातों को याद करते कौन दुखी नहीं होता, मुझे ये बता, क्या आपको दुख नहीं होता कि मेरे गुनाहों को यीशु मसीह ने उठा लिया? फिर आप रोते हो ना कि हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को आपने क्यों उठा लिया, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी वो आपको क्यों मिली? यही दर्द अपने बच्चों को महसूस करवाना है, हालेलुया, उन्हें सिखाना है, उनको ये नहीं सिखाना कि प्रार्थना कैसे करना, उनको ये नहीं सिखाना कि आराधना कैसे करना, उनको ये नहीं बताना कि वचन कैसे पढ़ना, उनको ये बताना है कि प्रभु यीशु तेरे लिए मरा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए तेरे गुनाह के लिए अपने आप को कुर्बान किया। जिस दिन आपके बच्चे इस अहमियत को समझ जाएंगे उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चे प्रार्थना कैसे करते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चे बाइबल कैसे पढ़ते हैं। आज मैंने कई ऐसे मसीहों को देखा है कि जिनके बच्चे तो आज चर्च वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है, उनको पता ही नहीं यीशु मसीह धरती पर आया ही क्यों। मुझे अपने चर्च के बच्चों को ऐसा नहीं बनता, मेरे चर्च के बच्चों को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों मरा। हालेलुया। अभी वो बच्चे हैं, अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे उनको सिखाना जरूर है, ये आपका फर्ज है। जैसे आपने सीखा वैसे ही आपको उनको यीशु मसीह की अहमियत बतानी है कि यीशु मसीह क्यों मरा, यीशु मसीह धरती पर क्यों आया था। कहीं ऐसा ना हो कि जब आगे आने वाले समय में कोई अन्य जाति पूछ ले, आपके बच्चे से सवाल कर ले और कहे कि बेटा चर्च क्यों जाते हो, तो ये ना बोल दे कि नहीं मेरे मम्मी पापा भी जाते हैं इसलिए मैं भी जाता हूँ। हालेलुया। और मुझे अगर ये पता चल गया कि आपके बच्चों ने इस तरह का जवाब दिया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो कि यीशु मसीह, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया क्या नहीं। सूर्या सुनाती हो ना, मोबाइल और टीवी दिखाते हो ना, सब कुछ पता होता है ना, फिल्म की एक एक कहानी पता होती है ना बच्चे को कि हाँ हीरो ने ऐसा किया, हीरोइन ने ऐसा किया, तो यीशु मसीह के बारे में क्यों नहीं बताते? सिखाओ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, तब जो अन्य जाति थे वो घबरा गए, वो हैरान हो गए, वो कहने लगे कि ये तो अन्य जो खतना वाले थे व्यक्ति थे वो लोग डर गए, वो घबरा गए, उन्होंने सोचा कि यार अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा कैसे उतर गया। आगे हम पढ़ते हैं पतरस ने क्या जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्म ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। अब यहाँ पर पतरस ने सीधे और साफ शब्दों में एक बात कह दी कि जब खुदावन ने पवित्र आत्मा और आग से इन लोगों को बपतिस्मा दे दिया है तो मैं कौन होता हूँ कि मैं इनको पानी का बपतिस्मा ना दूँ। हालेलुया। इससे एक चीज साबित होती है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए आपको बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रार्थना कर रहे हो तो पवित्र आत्मा और आपका बपतिस्मा आपको पहले भी आ सकता है और नंदिनी को पहले आया, इसीलिए अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मुझे उसे बपतिस्मा जैसे मर्जी देना ही देना है, क्योंकि अगर मैं डिले करूँगा तो ये मेरी खुद की कमी होगी। हालेलुया। इसीलिए पतरस ने अपने लोगों से कहा कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया, क्या अब मैं पानी रोक दूँ? अब मैं पानी भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नहीं रोका तो मैं कौन होता हूँ इनको बपतिस्मा देने से रोकने वाला, या मैं इनसे सवाल जवाब करूँ या ये कहूँ कि हाँ भैया क्या नहीं देना है, पहले ये रूल्स फॉलो करो, ये रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं। जब खुदावन ने बपतिस्मा दे दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि हमें इन्हें बपतिस्मा दे करके आगे बढ़ना है। आगे पढ़ेंगे, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। और आगे उन सबको आज्ञा दी गई कि जाओ और जाकर इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या दो, बपतिस्मा देना शुरू करो। हालेलुया। तो देखो दो चीजें हैं, पहली बात ये कि आपको
अपने बच्चों को सिखाना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्यों आया, किस लिए आया। हालेलुया। दूसरी बात ये कि आप पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा से आपको भरना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप खुदावन के भवन में आ रहे हो, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके बावजूद भी अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, अगर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, या परमेश्वर के अलग अलग तरह के वरदान होते हैं, विश्वास का वरदान, संयम का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, कई तरह के वरदान होते जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। अभी सविता आंटी ने बताया कि उन्होंने अन्य भाषा में किसी और लैंग्वेज में गीत और भजन गाया। कई तरह के वरदान है जो परमेश्वर आपको दे सकता है, आपको भर सकता है। कब मुकम्मल होगा? जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना और प्रार्थना करोगे। हालेलुया। एक गिलास है, उसमें कोक भरा पड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं एक फिल्टर पानी भर करके, एक गिलास पानी भर करके पी सकूँ, तो क्या होगा? अगर मैं एक भरे हुए गिलास में जिसमें काले रंग का कोक भरा हुआ है और मैं उसमें पानी डालूं, तो क्या होगा? वो बहने लगेगा, मिलावट हो जाएगा, और मेरे लिए भी खराब होगा और पानी भी खराब होगा। तो अगर मुझे साफ पानी पीना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस काले कोक को उस पानी से निकालना पड़ेगा। परमेश्वर की रूह से भरना, परमेश्वर ने देखो आपको चुना है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि खुदावन ने आपको चुना है। बुलाने वाला मैं नहीं हूँ, बुलाने वाले या आने वाले आप कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो समझ की बात यह है कि आपको अपने अंदर से पहले उस काले रंग के कोप को निकालना होगा। हालेलुया। तब आप साफ पवित्र आत्मा से, उस पवित्र आत्मा से आप भर पाओगे। हालेलुया। अपने अंदर से पाप, गुनाह, श्राप, बुरी बातें, चुगली, बैर भाव, लड़ाई झगड़े की आत्मा, इन सब को बाहर निकालो। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी देख के दौरान क्या कहा, हम पढ़ते हैं, निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी और हम क्या कर रहे हैं? एक बार खुद से भी सवाल करना। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मन के दीन बनो। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है आपको। हालेलुया। मन के दीन बनो। परमेश्वर कलाम करता है धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं उनकी इच्छा को पूरा किया जाएगा, धन्य है वो जो दया करने वाले क्योंकि उन पर दया की जाएगी, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, धन्य है वो जो मेल कराने वाले ना कि तोड़ने वाले। हालेलुया। जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। तो अपने आप को, मेरी लाइफ का एक ही मकसद है और हम सब का एक ही मकसद होना चाहिए, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो और मैं आपका परिवार, आप मेरे भाई बहन, रिश्ते नाते, माँ बाप की तरह हो, आप मेरे सब कुछ हो। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये परमेश्वर की इच्छा से है, पर मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आकर के खड़े होकर के प्रचार करो, आराधना करो। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे कईयों के मन में होता ना कि मेरी जगह ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। अगर पीछे बैठा हुआ इंसान भी आकर के ये बोले मुझे कि पास्टर जी मुझे वचन से थोड़ा सिखाना या बताना है, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि पाप कर करके आप सबको पता है कि पाप का फल सिर्फ मृत्यु है। गुनाह करने का फल सिर्फ, पाप करने की रोटी जो है, जो मजदूरी है, वो सिर्फ मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, जाते हुए नदी के किनारे थे, नदी के किनारे, सबने ये कहानी सुनी होगी, नदी के किनारे पतरस अपने नाव को ठीक, अपने जाल को ठीक कर रहा था और परेशान था, डिस्टर्ब था। हालेलुया।
यीशु मसीह उसके पास गए और जा करके उसको बोला, पतरस क्या हुआ तुझे? पतरस ने क्या बोला? हे प्रभु, हमने रात भर मेहनत की लेकिन कोई मछली नहीं पकड़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह क्या मछुआरे थे? क्या थे वो? वो तो एक काम करते थे, कौन सा काम करते थे? लकड़हारे का काम करते थे, मछुआरे तो थे ही नहीं। जबकि पतरस का पूरा वंश मछुआरा था, पतरस का जो परिवार था वो मछुआरा था, वो सब मछली पकड़ने में इतने माहिर थे कि उनके जैसा चार कोई ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी वो चीज़ काम किया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चल पतरस, ऐसा करते हैं नदी के बीच में चल, और चल करके हम जाल डालते हैं और मछली पकड़ते हैं। हालेलुया। पतरस ने क्या जवाब दिया? हे प्रभु, हमने रात भर मेहनत की लेकिन कोई मछली नहीं पकड़े, लेकिन यदि आप कहते हो तो हम चलते। हालेलुया। कई बार पता क्या, हमारे दिमाग में ये बातें आएंगी कि परमेश्वर शायद हमें नहीं जानता या परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर वो है जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, ए टू जेड। हालेलुया। और प्रभु यीशु पतरस को नदी के बीच में ले गया और नदी के बीच में ले जा कर के कहा जाल डाल, और जैसे ही जाल डाला तो आप सबको पता है कि इतनी मछलियां पकड़ी गई कि दूसरे नाव की जरूरत पड़ी और नाव डूबने पर थे। हालेलुया। अब यहाँ पर हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि मछलियां तो बहुत ज़्यादा हो गई, पतरस बहुत खुश होता और ये कहता हे प्रभु आप ऐसा करो ना, रोज आ जाया करो एक दो घंटे के लिए, तो हम रोज इतनी सारी मछलियाँ पकड़ करके खूब बेचेंगे, मैं आपको आपका कमीशन दे दिया करूँ। हालेलुया। जितना मेरा मान लो मेरा 10,000 की कमाई होती है तो मैं आपको 5,000 आपको कमीशन दे दूँ। हालेलुया। हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, रोज हम मछली पकड़ेंगे। लेकिन आपको पता है बाइबल के कलाम में, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर के कलाम में लिखा पतरस उदास हो गया, जबकि उसे खुश होना चाहिए था कि जितनी मछलियाँ मैंने अपनी जिंदगी में कभी पकड़ी वो मैं आज पकड़ रहा हूँ। रहने रहने छोड़। हालेलुया। कि जितनी मछली मैंने जिंदगी भर नहीं पकड़ी वो मछली मैंने आज पकड़ी, इस बात को लेकर उसे खुश होने की बजाय वो क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, यीशु मसीह से दूर भाग रहा, दूर भाग रहा है। और आखिर में क्या बोलता है? हे प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य। कितने लोग जानते इस कहानी? क्या यीशु मसीह ने वहां खड़े होकर उसे उपदेश दिया था या वचन से कुछ सिखाया था या उसे ये बोला था कि तूने ये गुनाह किया, तूने ये पाप किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया? नहीं ना। समझने की बात देखो, बात यह है कि हम कहते हैं ना कि हमें परमेश्वर का दर्शन चाहिए, हम कहते हैं ना कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सच्चे परमेश्वर का सामना कर सकते हैं? मैं अगर आपको बोल दूं कि छत पर जाओ और छत पर जाकर सूरज को 5 मिनट तक देख कर, 5 मिनट छोड़ो 2 मिनट तक देख कर, किसी में ताकत है? जब आप खुदा की बनाई हुई चीज को 2 मिनट सामना नहीं कर सकते तो आपके अंदर ताकत है कि आप जिंदा परमेश्वर का सामना कर सकते हैं। और जिस दिन आप जिंदा परमेश्वर का सामना करोगे ना, जैसे हम पुराने बचपन में हम टीवी देखते थे ना कि एक साधु होता था, तपस्या करता था साल दो साल हजार साल, फिर एक कोई परमात्मा उतरता था और उसको बोलता था कि मुझे ये वरदान दे दे, मुझे वो वरदान दे दे, मैं अगर किसी को छूँ तो भस्म हो जाए, मैं किसी को ऐसा करूँ तो वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए। हालेलुया। तो आप सच्चे जिंदा पुराने सामना करोगे तो मुझसे लिख कर ले लो, मुँह के बल गए, मुँह के बल मांगना तो दूर की बात है। हालेलुया। मांगना तो दूर की बात है कि आप जिंदा परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर ये कह सको कि प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मुझे घर दे दे, मुझे पैसा दे दे। कभी नहीं। आज तो इसीलिए खुदावन आपके सामने नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं कि हम उसका सामना कर सकें। हालेलुया। और यही चीज पतरस के साथ हुई। पहले तो वो पतरस क्या समझ रहा था कि यीशु मसीह चलो ऊपर वाले का पैगंबर है, वचन सुनाने के लिए आया है। लेकिन जब उसे खुद महसूस हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है,
उसको अपने गुनाह नजर आते हैं, उसे अपने पाप अपनी आंखों के सामने गोल गोल दिखाई देने लगे, और जब गुनाह नजर आने लगे उसको दिखाई देने लगा, मैंने तो व्यभिचार किया, मैंने तो चोरी किया, मैंने तो झूठ बोला है, मैंने धोखाधड़ी की है, मैंने तो किसी को दुख पहुंचाया है, और भागने लगा, यीशु मसीह से भागने लगा और बोला, प्रभु प्रभु कृपा करके मुझसे दूर हो जाइए क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। जिंदा परमेश्वर की सामर्थ क्या है आप शायद समझ नहीं सकते, मैंने देखा है, मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है, इस कलीसिया को पता है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम जिंदा परमेश्वर का सामना कर सकें, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि हम उस खुदा से कुछ मांग सकें, वो खुदा हमें खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए छत मुहैया करता है, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा का कलाम कहता है कि सबसे पहले मेरे धर्म, पहले ये तो जानो कि मैं कौन हूँ, चीज़ें तो तुम्हें पहले चाहिए कि परमेश्वर मुझे बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, परमेश्वर ये हो जाए, परमेश्वर वो हो जाए, पहले ये तो जानने की कोशिश करो कि यीशु है कौन। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया खुदा उनके पीछे चलते हैं, बाइबल के बीच में से अगर कोई सवाल पूछ लो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ समय बिताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि चालबाजियां करते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन से बात विवाद करते हैं, खुदा के कलाम से बात विवाद करते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन से बात विवाद करते हैं। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 जमा हो उनके बीच हाजिर, परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है सावधान और सचेत रहना क्योंकि शैतान हारने वाले सिंह के समान है जो मौका देखते ही कब आपको हार दे आपको नहीं पता चलता। वो लोग ये सोचते ना कि घर में बैठ कर प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वारिस बन जाएंगे, भूल जाओ, क्योंकि ये कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है जैसे कि हिरनों का एक झुंड है, वो साथ चल रहा है और शेर को डर लगता है कि मैं इस झुंड पे अगर मैंने हमला किया तो ये पूरा झुंड मुझे दबोच लेगा। हालेलुया। लेकिन झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ इस इंतजार में रहता है कि झुंड में से कोई बेपरवाह होकर के अलग हो जाए, तुरंत मैं उसको क्या कर दूंगा, पकड़ लूँगा, और तब सामना इसलिए तब इसलिए वो बच नहीं पाता क्योंकि अब उसके साथ झुंड नहीं है। हालेलुया। जिनके दिमाग में ये चलता है कि खुदा के भवन से अलग होकर के हम बहुत कुछ कर लेंगे, आपका भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर तो मुझे लोग कहते फोन आता और कहते दुआ करो प्रार्थना करो हमारे लिए, मैं उनसे बस सीधी सी बात ये कहता हूँ आपके लिए हम चर्च में प्रार्थना करेंगे लेकिन आपको खुदा के भवन में आना होगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के भवन में आना होगा। देखो मुझे भीड़ से मतलब नहीं, मैं आपको शुरुआत से इस बात को बता दिया कि मुझे चर्च में भीड़ नहीं चाहिए, मुझे चर्च में ये नहीं चाहिए कि हाँ मेरा चर्च हरा भरा हो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा चर्च में मतलब भीड़ की भीड़ कटी हो, मुझे बस ये चाहिए कि अगर 2 व्यक्ति भी ईमानदारी सच्चाई से चलते हैं वो मेरे लिए 100 के बराबर। हालेलुया। और आप सबका चर्च में आने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अकेले मत पड़ो कभी भी, जिस दिन अकेले पड़े तो शेर आपका शैतान की तरह क्या करेगा, सामना करेगा, आपके साथ लड़ेगा, हार देगा, और मुझे नहीं लगता कि आप इतने काबिल हो चुके हो कि उसका सामना कर सकते, मुझे नहीं लगता कि आप अभी इतने उतने आत्मिक वरदानों से भर गए हो कि शैतान का सामना कर सकते। हालेलुया। शैतान का सामना करने के लिए एकजुटता की जरूरत पड़ती है, सभी की जरूरत पड़ती है, सब एक दूसरे के लिए जरूरत, चाहे वो चर्च में झाड़ू मारने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो चर्च में बर्तन धोने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो बेदी साफ करने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी तरह चर्च के लिए दान दक्षिणा देने वाला ही क्यों ना, हर एक परमेश्वर की नज़र में एक समान है, बराबर है, और आपका जो समय जो आप परमेश्वर के लिए देते हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। खुदा का कलाम कैसा, परमेश्वर के हित में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, ईमानदारी सच्चाई से खुदा उनके पीछे चलो और परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो, बशर्ते आपको इंतज़ार करना होगा, बशर्ते आपको खुदा उनको मौका देना होगा। हालेलुया।
क्योंकि खुदा का कलाम साफ शब्दों में कहता है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर बंद हो गया हर एक काम को करने का सही समय होता है। हालेलुया। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो मैं आपको वचन सुना भी देता हूँ। निकालेंगे सर्वोपदेशक अध्याय 3 पेज नंबर 806। मैं कुछ भी वचन से अलग नहीं बोलता, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वचन से ही बोलता हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है और ये मेरी ईमानदारी है कि मैं कभी भी खुदा के वचन का गलत इस्तेमाल ना करूँ। पढ़ेंगे 3:1 पेज नंबर 806 पुराना नियम। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। तो समय से पहले कोई भी कदम ना उठाए, परमेश्वर को मौका दें, परमेश्वर सही समय पर उन चीज़ों को आपके जीवन में मुकम्मल करेगा जब उसे होना है। आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना, आपका काम है सिर्फ दुआ करना, आपका काम है परमेश्वर पे भरोसा रखना और उस समय का इंतजार करना। हालेलुया। अगर समय से पहले लेने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर को देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो देना पता है कैसा होगा, वो देना ऐसा होगा टेम्परेरी टाइप का कि मिल गया है और कुछ दिन बाद ख़त्म। लेकिन खुदा जब अपने समय पर देगा तो ऐसा देगा कि जिंदगी भर चलेगा, आपके वंशों तक चलेगा, आपके लोगों तक चलेगा, जब तक आप जिंदा हो और आपके मरने तक चलेगा। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी समय पर अपना काम किया और समय पर ही अपने कामों को कर रहा है, समय पर ही आपको आशीषित कर रहा है, समय पर ही आपको जॉब दे रहा है, समय पर आपको आपकी नौकरी दे रहा है, समय पर आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, समय पर आपको बपतिस्मा के आशीर्वाद आपको दे रहा है। हर एक चीज़ खुदावंत समय पर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अहमियत दें, खुदा के कलाम को अहमियत दें और अपने आप को इतना काबिल बनाएं और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप पवित्र आत्मा से भरते जाएं, पवित्र आत्मा की आग और आत्मा से भरते रहें। हालेलुया। दूसरा सवाल मेरा आप सबसे है, आप सबके लिए मैंने एक ऑर्डर दिया था, क्योंकि रिक्वेस्ट कर करके मैं थक गया हूँ, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर दिया था कि आप डेली आपको कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करना। कितने लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे बाकी? डेली आधा घंटा क्यों नहीं प्रार्थना कर? अब ये मेरा ऑर्डर है, ये क्योंकि अच्छे से बोल बोल के मैं थक गया हूँ, ठीक है? तो जिस तरह से रोज रोटी खाते हो ना, सुबह दोपहर शाम को अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, वैसे ही आपकी आत्मा को भी भोजन की जरूरत है। हालेलुया। तो जो लोग अभी प्रार्थना नहीं कर रहे वो प्रार्थना करो, चाहे हंस कर करो चाहे रो कर करो, लेकिन आधा घंटा हो सके तो, आधा घंटा तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है एक घंटा या दो घंटा, क्योंकि 5 मिनट की प्रार्थना कोई प्रार्थना नहीं होती और जो लोग ये कर रहे हैं ना वो सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं। हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना कोई प्रार्थना नहीं, 5 मिनट आप प्रार्थना कर रहे हो हालेलुया हालेलुया, प्रभु खाने के लिए रोटी दिया, भोजन दिया, ये दिया वो दिया, आपका धन्यवाद, जैसे ही आपकी आत्मा खुदा से कनेक्ट होने शुरू होती है आप तुरंत क्या कर देते हो? आमीन, खत्म। क्यों? खुदा उनसे कैसा कनेक्शन है? व्यक्तिगत कनेक्शन रखो परमेश्वर से। परमेश्वर जब आपको बिना किसी उलाना के खाने के लिए भोजन दे रहा है, बिना किसी उलाना के पहनने के लिए कपड़े दे रहा है, रहने के लिए छत दे रहा है, काम काज दे रहा है, नौकरी चाकरी दे रहा है, चलने फिरने की ताकत दे रहा है, बीमारी से बचा करके रखा है, हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है, खुदा उनके लिए आधा घंटा निकालना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। हालेलुया। आधा घंटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप आधे घंटे में आपको आदत पड़ेगी तब ऐसा समय भी आएगा जब 3-3, 4-4 घंटा भी आप प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करो, आप मसीह हो, 5 साल 6 साल हो गया खुदा के पीछे चलते हुए, 5 मिनट की प्रार्थना से अपना जीवन मत सारो, आपका फर्ज बनता है कि प्रार्थना करना है मुझे, दुआ करना है,
तो मैं अगले संडे हर एक का हाथ देखना चाहता हूँ कि मैंने रोज आधा घंटा या एक घंटा प्रार्थना किया। हालेलुया। उसके बाद तीसरी अनाउंसमेंट ये है, जो बच्चे ठीक है, बिल्लो का ठीक है।